Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So now we are going to discuss one of the most important question of this chapter. इन 10 पार्ट्स में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी ईयर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइजेज और इससे पहले वाले क्वेश्चंस और आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आती हैं, और अगर नहीं आती तो पहले जाके वो करो। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिफाइंड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस ए ओवर वन प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, जरा देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया कि जो कुछ भी दिया हुआ है सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वो हमारा रामबाण इलाज है। तो भाई कॉस का फॉर्मूला होता है वन ओवर साइन थीटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, याद है तो अच्छी बात है, वरना भाई आइडेंटिटीज निकाल लो, बुक खोल कर बैठिए। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आ गया वन माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या आ गया साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर कर रहा हूं, डिनोमिनेटर का अलग से, तो नीचे ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब अगर इसमें कॉस को उधर भेज दूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस मैं यही आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या मैं इस 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी बनने से होगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसको दो बार लिखा जा सकता है, तो एक बार कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा देखो जरा सही से, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा, इसमें मेन है आपकी आइडेंटिटीज, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो या फिर प्रीवियस चैप्टर्स एंड क्लासेस की जो आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी यहाँ पर यूज होंगी आने वाले क्वेश्चंस में। तो आप वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। मैं आपको सारी वीडियोज सेपरेटली अपलोड करके दूंगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडी। एक और वैसा क्वेश्चन कर सकते थे।